हेलो स्टूडेंट्स इन दिस वीडियो विल डिस्कस चैप्टर नंबर द सिविलाइजेशन तो बेटा इस चैप्टर में हम लोग पढ़ेंगे वर्ल्ड की फोर अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन में से एक जिसका नाम है हरप्पन सिविलाइजेशन फोर अर्लिएस्ट सिविलाइजेशन कौन कौन सी है चाइनीज वैली सिविलाइजेशन नाइल वैली सिविलाइजेशन एक है हमारी हरप्पन सिविलाइजेशन और एक है मिसोपोटामियन सिविलाइजेशन तो आज हमारा टॉपिक है हरप्पन सिविलाइजेशन हम देखेंगे कि हरप्पन सिविलाइजेशन किस एरिया में फ्लरिश की किस टाइप की इनकी स्क्रिप्ट थी किस टाइप की ये टूल्स वेपन्स यूज़ करते थे ज्वेलरी कैसी होती थी टाउन प्लानिंग इन्होंने कैसे की थी कैसा इनका ड्रेनेज सिस्टम था तो ऑल इन ऑल ये चैप्टर आपको सिखाएगा बहुत कुछ तो स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर को तो बेटा जो इंडिया है उसमें भी पैलियोलिथिक मैन रहते थे पेलीथिक मैन किसको कहते हैं या ओल्ड स्टोन एज हम किसको कहते हैं बेटा वो पर्टिकुलर टाइम जिस टाइम में जो मैन था वो स्टोन टूल्स का यूज़ करता था ठीक है बात तो पूरी दुनिया की तरह इंडिया में भी अर्लीस्ट इनहेबिटेंट रहते थे जिन्हें हम पेलोलिथिक मैन कहते हैं जो किसका यूज़ करते थे स्टोन टूल्स का यूज़ करते थे जिसे हम मैन ऑफ स्टोन एज भी कह सकते हैं इन्हें मैन ऑफ ओल्ड स्टोन एज क्यों कहा जाता था या पैलोलिथिक मैन क्यों कहा जाता था बेटा क्योंकि ये पत्थरों से बने टूल्स का वेपन्स का यूज़ करते थे पत्थरों से ही अपने काटने के लिए आ, नाइफ बना लेते थे पत्थरों से ही ये लड़ने के लिए हथियार बना लेते थे ठीक है इनके पास कोई नॉलेज नहीं था कि कैसे मेटल्स का यूज़ किया जाए पॉटरी मतलब मिट्टी के बर्तन कैसे बनाए जाएँ या एग्रीकल्चर कैसे किया जाए ठीक है बात इन्हें इन चीज़ों का कोई आइडिया नहीं था अब बेटा देखो भगवान ने हमें सोचने की शक्ति दी है तो जैसा कि पैल्योलिथिक मैन जो नहीं जानता था कि मेटल्स क्या होते हैं पॉटरी क्या होती है एग्रीकल्चर क्या होती है इसकी जो आने वाली जनरेशन थी उसने और मॉडर्न स्टाइल के टूल्स बनाए इम्प्लीमेंट्स बनाए ठीक है पर थोड़ा सा एडवांस हुआ पर इसे अभी तक मेटल का यूज़ करना नहीं आया अभी मेटल का यूज़ करना इसे नहीं आया ठीक वही बात तो पहले पैलोलिथिक मैन आए उसके बाद उनसे थोड़े से एडवांस मैन आए जिन्होंने टूल्स के स्टाइल को बदला इम्प्लीमेंट्स अच्छे से बनाए पर अभी भी इन्हें मेटल का यूज़ करना नहीं आया पर ये क्या क्या सीख गए थे ये ये सीख गए थे कि भैया कि एनिमल को डोमेस्टिकेट कैसे किया जा सकता है मतलब ये एनिमल में बारिफिकेशन करना सीख गए थे कौन सा एनिमल जो है उसे हम डोमेस्टिकेट कर सकते हैं पोट्री कैसे बना सकते हैं ज़मीन को कल्टीवेट कैसे कर सकते हैं और जो डेड बॉडी है उन्हें बरी करना ये लोग सीख गए थे मतलब अब थोड़ा एडवांस तो मैन हो गया था ठीक है बात पर उसे मेटल का यूज़ करना नहीं आया था फिर धीरे से इन लोगों ने किसको डिस्कवर किया बेटा कॉपर को ठीक हुई बात फिर इन्होंने कॉपर को डिस्कवर करके कॉपर के टूल्स बनाए उन्हें एक टाइम में यूज़ किया फिर बाद में इन्हें समझ में आया यार कि अगर हम कॉपर को टिन के साथ मिक्स कर दें तो हम ब्रोंज बना सकते हैं ठीक हुई बात देखो एक अच्छे खासे पीरियड तक इन्होंने कॉपर को यूज़ किया बाद में इनमें और दिमाग आया तो इन लोगों ने कॉपर को टिन के साथ मिक्स किया और ब्रोंज बना लिया और यहाँ से जो स्टोन एज थी वो कै में बदल गई एज ऑफ मेटल्स में ठीक हुई बात क्योंकि यहाँ पे ब्रोंज का यूज़ ज़्यादा हो रहा था इसीलिए हम इसे क्या कहते हैं ब्रोंज एज ठीक हुई बात तो पहले हम पत्थरों के टूल्स बनाए फिर पत्थरों के टूल्स में हमने थोड़ा एडवांसमेंट किया फिर हमने कॉपर के टूल्स बनाए फिर हमने कॉपर के टूल्स के बाद कॉपर को टिन के साथ मिक्स करके ब्रॉन्ज के टूल्स बनाए जिसे हम कहते हैं एज द सिविलाइजेशन अंडर डिस्कशन इन दिस चैप्टर इस चैप्टर में जो हम सिविलाइजेशन डिस्कस करने वाले हैं हर अपन सिविलाइजेशन उसे क्या कहते हैं एज सिविलाइजेशन भी कहते हैं अब हम डिस्कवरी की बात करेंगे भाई तो नाइनटीन ट्वेंटी फोर में सर जॉन मार्शल ने डिस्कवरी करना स्टार्ट किया ठीक कोई बात किसकी हेल्प से रखल दास बनर्जी की हेल्प से ठीक कोई बात तो 1924 में सर जॉन मार्शल जो कि एक नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट थे और उनके एक इंडियन हेल्पर uh, थे या जिन्होंने असिस्ट uh, इनके असिस्टेंट थे ठीक है सर जॉन मार्शल को कौन असिस्ट कर रहे थे रखल दास ठीक कोई बात और दयाराम सहानी ठीक है इन्होंने प्रोक्लेम किया कि हमें मिली है इंडस वैली सिविलाइजेशन तो इनिशियल एक नोटेड आर्कियोलॉजिस्ट थे जिनका नाम था सर जॉन मार्शल इनके साथ थे दो इंडियंस आर्कियोलॉजिस्ट जिनका नाम था रखालदास बैनर्जी और दयाराम सहानी इन्होंने डिस्कवरी कि की किसकी इंडस वैली सिविलाइजेशन की ठीक है बात जब तक इंडस वैली सिविलाइजेशन की डिस्कवरी नहीं हुई थी तब तक ऐसे माना जाता था कि जो हिस्ट्री है इंडिया की वो आर्यंस के आने से ही शुरू हुई है आर्यंस के पहले इंडिया में कुछ भी नहीं था आई बात समझ में और आर्यनस भी कौन थे ऐसा माना जाता है कि ये बहुत दूर से इंडिया में आए थे फिर उन्होंने इंडिया में लिखना पढ़ना स्टार्ट किया और इंडियंस को सिविलाइज्ड बनाया तो इस थ्योरी को अब हम इम्पॉर्टेंस नहीं देते हैं आज हाँ जो मॉडर्न हिस्टोरियंस वो कहते हैं आर्यन इन्वेजन जैसी तो कोई थ्योरी थी नहीं चलो हम मान भी लेते थी पर उसके पहले भी हमारे पास एक अच्छी खासी सिविलाइजेशन थी जिसे हम इंडस वैली सिविलाइजेशन कहते हैं ठीक है बात तो नेचुरली जब ये सिविलाइजेशन हमने डिस्कवर की तो ये हमारी इंडियन हिस्ट्री के लिए एक मोमेंटस इवेंट था अब हम पूरी दुनिया को बता पा रहे थे कि भाई ऐसा नहीं था कि आर एन सी इंडिया में आए और उन्होंने हमको हम सिखाया इसके पहले भी हमारे पास बहुत कुछ था जो सर जॉन मार्शल थे इन्होंने इसे इंडस वैली सिविलाइजेशन क्यों कहा क्योंकि बेटा दो जो सिटीज़ थी अर्लिया सिटीज़ पहली हरब का और दूसरी मोहनजोदारो ये दोनों ही हमें इंडस रिवर के किनारे पर मिली इंडस रिवर के बैंक पर मिली इंडस रिवर जिसका ओरिजिन तिब्बत में होता है मॉडर्न डे चाइना में होता है क्योंकि तिब्बत जैसे तो कोई चीज रही नहीं तिब्बत से इंडिया आती है और इंडिया से ये पाकिस्तान चली जाती है तो हरप्पा और मोहनजोदरों दोनों कहाँ पर मिले इंडस रिवर के बैंक पर मिले तो हमने इसे नाम दे दिया इंडस वैली सिविलाइजेशन अब हरप्पा कहाँ पर है बेटा तो हरप्पा है माउंटमेरी डिस्ट्रिक्ट जो कहाँ का है पंजाब का है कौन से वाले पंजाब का पाकिस्तान वाले पंजाब का ठीक है पहले तो देखो नाइनटीन फोर्टी सेवन में इंडिया और पाकिस्तान अलग हुई ना बेटा पहले तो नहीं था ना पहले तो पूरा इंडिया ही था बाद में इंडिया के एक पार्ट को पाकिस्तान कहा जाने लगा तो बेटा ये हमारे इंडिया के पंजाब के माउंटे गैमेरी डिस्ट्रिक्ट से मिले थे पर बाद में जब 1947 के बाद डिवीजन हो गया तो आज हम इसको कहते हैं कि भैया ये पाकिस्तान वाले पंजाब में था दूसरा मोहन जो लारकाना डिस्ट्रिक्ट में मिला जो कहाँ पर है सिंध में पहले ये भी इंडिया में ही था पर अब किस में चला गया है पाकिस्तान में तो हरप्पा और मोहनजोद्रो दोनों हमें इंडस रिवर के बैंक्स पर मिले इंडस रिवर की वैली में मिले इसीलिए इस सिविलाइजेशन का नाम इंडस वैली सिविलाइजेशन रखा पर जो मॉडर्न हिस्टोरियंस है इसे सिर्फ हरप्पन सिविलाइजेशन कहते हैं काज हरप्पा वॉज द फर्स्ट साइट टू तो बी डिस्कवर्ड क्योंकि हरप्पा पहली साइट थी जो सिविलाइजेशन में डिस्कवर अब हम ओरिजिन की बात करेंगे हरप्पन सिविलाइजेशन के ओरिजिन की तो मेरी बात ध्यान से सुनना बेटा हरप्पन सिविलाइजेशन का जो ओरिजिन है वो आज जैसे सिटीज़ का ओरिजिन होता है हिस्टोरियंस मानते हैं पहले भी ऐसे ही हुआ होगा देखो आज गांव होते हैं गाँव में एग्रीकल्चर इकोनॉमी होती है फिर सरप्लस प्रोडक्शन होने लगता है तो हम कोई मील कोई फैक्ट्री गाँव के बाहर लगा देते हैं जब कोई फैक्ट्री कोई मील गाँव के बाहर लग जाती है तो रोज लोग उसके आस रहने लगते हैं उसके अंदर काम करने लगते हैं फिर और फैक्ट्रीज और मील्स बनने लगती हैं ऐसा ही होता है ना तो विजेस से सिटी बनी है इसी कंसेप्ट हरपन सिविलाइजेशन भी बनी है ऐसा मानना है किसका हमारे हिस्टोरियंस का ठीक है क्योंकि जो हमारे आर्कियोलॉजिस्ट थे जो एक्साविशन का काम करते हैं उन्हें बहुत सारे रिमेन्स मिले हैं किसके रिमेन्स मिले एग्रीकल्चरल विलेजेस के रिमेन्स मिले कहां पर सेंट्रल और सदर्न बलूचिस्तान में इस कॉन्टेक्स्ट में हम ये मान सकते हैं कि जो अर्ली एग्रीकल्चर विलेजेस थे आमरी में वही से इवॉल्व हुई है हमारी हरपन सिविलाईशन ठीक है बात? बात इसमें ज़्यादा सोचने समझने की तो बात नहीं, आज का हो फॉर मेनी ईयर्स द डिस्कवरी ऑफ डिफरेंट साइट बहुत सारे टाइम लगा बेटा हमको बहुत साल लगे हमने डिफरेंट डिफरेंट साइट्स को एक सवेद किया उनकी डिस्कवरी की तो हमें ऐसा लगने लगा था कि यार जो भी हरप्पन सिविलाइजेशन है या जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है ये रिवर इंडस और उसकी ट्रिब्यूटरीज के आसपास ही होंगी इससे आगे नहीं होंगी पर बाद में जो एक्सावेशन हुए बेटा हरप्पन सिविलाइजेशन को लेके तो पता चला नहीं भैया ये इंडस रिवर और उसकी ट्रिब्यूटरीज़ के आसपास नहीं ये तो एक बहुत बड़े एरिया में फैली हुई सिविलाइजेशन है ठीक है हरप्पा और मोहनजोदड़ो दो मोस्ट इंपॉर्टेंट साइट्स हैं ठीक है देखो शुरुआती दौर में जो दो मेन पहली सिटीज मिली वो कौन सी थी हरप्पा और मोहन जोदड़ो है ना इसको हिंदी में मोहन जोदड़ो भी कहते हैं कहते क्या कहते ही हैं ठीक है दे आर इन अगर हम पूरी बड़ी सिविलाइजेशन को देखें तो हम मान सकते हैं कि ये दोनों कैपिटल रही होंगी कौन सी हरप्पा और मोहन एक मिनट बेटा चल इसके बाद हमें कुछ फेमस और भी सिटीज़ मिली और भी फेमस साइट्स मिली जैसे कोट डी अमरी कोट डी अमरी चन्न हुदड़ो इसको हिंदी में क्या बोलते हैं चन्न हुदड़ो ठीक है चन्न हुदड़ो चन ये सारे पाकिस्तान में फिर रूपर कहाँ पर है पंजाब में है बनावली कहाँ पर है हरियाणा में आलमगिरपुर कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में कालीबंगन राजस्थान में मतलब कोट दीजी अमरी चंद हुदड़ो पाकिस्तान में है बाकी रूपर बनावली आलमगीरपुर कालीबंगन रंगपुर रोजड़ी लोथल ढोलावीरा गोलढारो ये सब कहाँ पर है इंडिया में है हैं बस समझ में रूपर पंजाब, बनावली, हरियाणा आलमगीरपुर उत्तर प्रदेश कालीबंगन राजस्थान रंगपुर रोजड़ी लोथल ढोलावीरा गोलधारो ये सब कहाँ पर है गुजरात में ये याद रखना ठीक है बेटा अब हम डेट की बात करेंगे कि भाई हमारी हड़प्पन सिविलाइजेशन कितनी पुरानी थी ठीक है तो जब हम सिमिलैरिटीज़ uh, देखते हैं बेटा किस किस में सिमिलैरिटीज देखते हैं मोहन जोधड़ों में और सुमेर इन मिसोपोटामियन मोहन जोधड़ो इंडस वैली सिविलाइजेशन या हरपन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है और सुमेर मिसोपोटामियन सिविलाइजेशन से बिलोंग करता है तो इन दोनों में जब सर जॉन मार्शल ने बहुत सारी स्ट्राइकिंग सिमिलैरिटीज़ देखी तब इन्होंने हरप्पन सिविलाइजेशन को ऐसे माना कि भाई ये इतनी टाइम पुराना है इतने टाइम पुराना है मतलब ये किस टाइम में एग्जिस्ट करता होगा तो थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी बी सी में से लेकर के टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी बी सी तक देखो आज हम वन ए डी से लेकर के बेटा कहाँ पर है टू जीरो टू फोर में है ये ए डी एनोडोमिनी चल रहा है ये कॉमन एरा चल रहा है इससे पीछे कितना जाना है आपको टू थाउजेंड सेवन हंड्रेड फिफ्टी थ्री थाउजेंड टू हंड्रेड फिफ्टी मतलब इस पर्टिकुलर टाइम में अब हम एक साल नहीं बता सकते बेटा इस बीच में हरप्पन सिविलाइजेशन रही होगी ऐसा मानते हैं ठीक है और जो मॉडर्न आर्कियोलॉजिस्ट हैं वो ये बोलते हैं कि ये आज से कितने साल पुरानी होगी टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी टू वन थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी रही होगी हमारे मॉडर्न हिस्टोरियंस यहाँ बोलते हैं कि यहाँ पर हरप्पन सिविलाइजेशन रही होगी और सर जॉन मार्शल क्या बोलते थे कि इस टाइम में रही होगी ठीक कोई बात तो कितने भी इस टाइम में रही हो या इस टाइम में रही हो बेटा आज से ये चार हज़ार पाँच हज़ार साल पहले की सिविलाइजेशन तो है ना आज हम टू थाउजेंड टू फोर में है टू थाउजेंड फाइव हंड्रेड बी सी की बात कर रहे हैं तो कितने चार हज़ार साढ़े चार हज़ार साल पहले की है या पाँच हज़ार साल पहले की है क्लियर होगी बात उससे कम की तो नहीं है बेटा अब हम पढ़ेंगे टाउन प्लानिंग को तो जो हरपन सिविलाइजेशन थी वो अर्बन नेचर की थी आई बात समझ में अर्बन मतलब सिटी शहरी शहरी सिविलाइजेशन थी फर्स्ट थिंग दैट स्ट्राइक्स अस इन द टाउन प्लानिंग पहली चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा स्ट्राइक करती है अबाउट हरपन सिविलाइजेशन वो थी उनकी टाउन प्लानिंग गजब की टाउन प्लानिंग थी बेटा तो अब हम क्या पढ़ रहे हैं बेटा इनकी टाउन प्लानिंग हरप्पन किस टाइप की सिविलाइजेशन थी तो अर्बन सिविलाइजेशन थी शहरी सभ्यता थी पहली चीज़ जो हमें बहुत ज़्यादा फैसिनेट करती है हरप्पन सिविलाइजेशन की वो है इनकी टाउन प्लानिंग बेटा हरप्पन की जो दो तो अर्लीस्ट सिटी मिली जो थी मोहन और हरप्पा हरप्पन सिविलाइजेशन की शुरुआती दो सिटी मोहन और हरप्पा उन दोनों सिटीज़ को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है कि वो सिमिलर प्लान पे बिल्ट हुई हैं ठीक है टू द वेस्ट ऑफ ईच सिटी दोनों सिटी के वेस्ट में सिटाडल था ठीक है जो कि एक हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था सिटाडल हाई प्लेटफॉर्म पे बना हुआ था साथ ही साथ ये सिटी के किस साइड में था वेस्ट में था इसके ऊपर पब्लिक बिल्डिंग बनी हुई थी जैसे रिलीजियस स्ट्रक्चर थे ग्रेनरीज बड़ी हुई थी बड़ी बड़ी ग्रेनरीज बोले तो जहाँ पर हम फूड ग्रेन को स्टोर करके रखते हैं भंडारण है ना अनाज भंडारण ग्रेनरी बनी हुई थी जो रूलर या जो रूलिंग क्लास थी जिसमें रिच मर्चेंट्स वगैरह आते हैं प्रीस्ट आते हैं वो हो सकता है सिटाडल एरिया में रहते होंगे देखो अगर ये सिटी बनी हुई है तो इसके ये ईस्ट हो गया ये वेस्ट है वेस्ट में हमें हाई प्लेटफॉर्म दिखा जिसके ऊपर ग्रेनरीज दिखी रूलिंग क्लास के हाउसेज दिखे इसे हम क्या कहते हैं सिटाडल आगे बात समझ में जो सिटाडल था उसके आसपास दीवारें बनी हुई थी हो सकता है एनीमी का अटैक ना हो या फ्लड ना आए इसलिए सपोज़ करो ये सिटी है इस सिटी में एक हाई प्लेटफॉर्म पे आपने बिल्डिंग्स बनानी चालू कर दी ठीक है फिर यहाँ पर दीवार भी बनी हुई है क्यों दीवार बनी हुई है कि भाई एनिमी अटैक से इस पर्टिकुलर एरिया को बचाया जा सके या फ्लड ना आए जो भी कुछ रीज़न रहे हों पर ये प्रॉपर्ली प्रोटेक्टेड थी सिटाडल के नीचे टाउन था ठीक है बट बिलो दिस सिटाडल वॉज द टाउन प्रॉपर जो मेन मतलब यहाँ पर अगर सिटाडल है तो यहाँ पर बाकी का बचा हुआ टाउन था जो मेन स्ट्रीट थी वो नॉर्थ साउथ में चलती थी ठीक है और ये सब मेन स्ट्रीट में जब मिलती थी तो राइट right एंगल में मिलती थी मतलब ये अगर स्ट्रीट है ये स्ट्रीट है तो ये मेन स्ट्रीट में कैसे मिलेंगी बेटा राइट एंगल पे मिलती नहीं ठीक है ये बात द स्ट्रीट थर्स डिवाइडेड द सिटी इनटू स्क्वायर अब ये जो स्ट्रीट थी ये पूरी की पूरी सिटी को क्या में डिवाइड करती थी या तो स्क्वायर में या तो रेक्ट में आई बात समझ में क्योंकि जितनी भी स्ट्रीट थी ये मेन स्ट्रीट को पे कैसे मिलती थी राइट right एंगल में मिलती थी तो इनके बीच का जो बचा हुआ एरिया है या तो वो स्क्वायर होगा और या तो वो रेक्टेंगुलर होगा तो स्ट्रीट्स पूरे एरिया को स्क्वायर या रेक्टेंगुलर बॉक्स में डिवाइड करती थी जो स्ट्रीट्स थी वो राउंडेड ऑफ थी टू अलाउ द कार्ड्स टू टर्न ईजिली अब इस्ट्रीट से ज़्यादा समझो बेटा जैसे ये स्ट्रीट है यहाँ पर कोई घर बना होगा तो यहाँ पर जो घर बना होगा वो भी राउंडेड होगा या अगर ये स्ट्रीट होगी तो भी राउंडेड होगी क्यों राउंडेड होगी क्योंकि जो बैलगाड़ी वगैरह अभी हम लोग देखते हैं कि जब हम आप लोग अगर जब बस को ड्राइव होता हुआ देखोगे या आप बड़ी किसी गाड़ी को ड्राइव होता ड्राइव होता हुआ देखोगे तो आपको लगेगा यार कि जब वैसे मुड़ती है तो थोड़ी सी प्रॉब्लम होती है ना अगर एकदम ये ऐसे हम पॉइंटेड बना देंगे तो यहाँ से टर्न होने में प्रॉब्लम होगी तो ये लोग स्ट्रीट को इस तरीके से बनाते थे कि कोई भी कार्ट हो वो ईजीली मुड़ जाए इतने में तो समझ में आ जाना चाहिए यार बेटा चलो जो घर बने होते थे वो दो स्ट्रीट के दोनों साइड में बने होते थे जैसे ये मेन स्ट्रीट हो गई ये स्ट्रीट हो गई तो स्ट्रीट के दोनों साइड में क्या बने होते थे घर बने होते थे ठीक है बात दे दिस वे दे did not encroach ऑन द स्ट्रीट और इस तरीके से बनाए जाते थे घर कि स्ट्रीट पे कोई इनक्रोचमेंट नहीं होता था कोई बतब आज हम लोग देखते हैं ना कहीं पर भी घर बन गए रोड पे घर बना लिया सरकारी ज़मीन पे घर बना लिया ऐसा कुछ भी नहीं होता था गलियों के स्ट्रीट्स के दोनों साइड घर बने होते थे और इस तरीके से बने होते थे या इस तरीके से इनको बनाया गया जिससे कि इंक्रोचमेंट ना हो स्ट्रीट का कोई गली पे घर ना बना ले दोनों ही जगह हरप्पा में भी और मोहनजोदड़ों में भी जो घर बनाए गए बेटा वो क्लिन बोंड ब्लिक्स ब्रिक्स से बनाए गए थे अब ये क्लिन क्या होते हैं बेटा तो क्लिन होते हैं बड़े बड़े भट्टे जैसे कि पहले हमने मिट्टी की ईंट बनाई और मिट्टी की ईंट बना के उनको आग के बड़े से तंदूर में या ओ, क्या बोलना चाहिए भट्टे में पका दिया इसको क्या बोलते हैं ये जो हम बनाते हैं जिसके अंदर हम ईंट पका रहे होते हैं क्लिन है ना तो ये दोनों ही जगह हरप्पा में भी जो घर मिले मोहनजोदड़ो में भी जो घर मिले वो कच्ची ईट के बने हुए नहीं है पके हुई ईट के हैं लोथल कालीबंगन में भी जो घर बने हैं वो सनड्राइड ब्रिक के बने देखो घर लोथल में भी बने हैं घर कालीबंगा में भी बने पर वहाँ पर जो घर बने हैं वो सनड्राइड है मतलब सूरज में पकाई हुई ईंटों से बने हुए हैं पर मोहनजोदड़ो और हरप्पा में जो घर बने हैं बेटा वो क्लिन में जली हुई पकी हुई ईंटों से बने हैं तुम लोगों ने देखे होंगे ना कि जब हम सिटी को क्रॉस करते हैं तो कई बार बड़े बड़े एरियाज देखते हैं जहाँ पर ईट जमी होती है वहाँ पर बड़े बड़े भट्टे हैं जिनमें आग लगी होती है उस आग के अंदर ही ईंटों को पकाया जाता है हमें बात समझ में लोथल कालीबंगा के घर मोहनजोदड़ो और हरप्पा से कैसे अलग है लगे? क्योंकि यहाँ पर जो ईंट यूज़ हुई है घर बनाने में वो सनड्राइड है एन एवरेज हाउस एड बिसाइड्स द किचन बाथ फोर और सिक्स लिविंग रूम एवरेज घर में आपको बेटा किचन तो मिलेगा ही मिलेगा बाथ एरिया मिलेगा लिविंग रूम मिलेंगे वो भी कितने सिक्स फोर किसी में चार मिल जाएंगे किसी में पाँच मिल जाएंगे किसी में छः मिल जाएंगे आई बात समझ में तो किचन हर घर में होगा बाथ एरिया हर घर में होगा किसी में चार रूम होंगे किसी में पाँच किसी में छः जो बड़े बड़े घर होते हैं उनमें स्टेयर केसेस भी मिले हैं सीढ़ियाँ मिली हैं अब सीढ़ियाँ मिली हैं इसका मतलब कहीं ना कहीं घर टू और थ्री स्टोरीज़ होते होंगे नहीं तो हम वन स्टोरी बिल्डिंग में का ही सीढ़ी मतलब जहाँ पर वन स्टोरी ना हो मतलब सिर्फ ग्राउंड ग्राउंड फ्लोर हो एक ही छत बनी हो वहाँ पर क्या हम सीढ़ियाँ बनाते हैं ब्रेर टेस्ट केस में कि भैया हमको टेरेस पे जाना हो पर यहाँ पर जब हमें स्टेयर केसेस मिले इससे पता चलता है टू और थ्री स्टोरीज़ बिल्डिंग यहाँ पर होंगी इस पॉइंट में अगर मैंने कंफ्यूज किया हो तो उसको रीड कर लेना तुम्हें पता चल जाएगा जो ज़्यादा से ज़्यादा घर होते थे उनमें कुआँ होता था वेल well, वेल well बोले तो कुआ कुआ देखा होगा ना ऐसे जहाँ पर पानी होता है फिर यहाँ पर हम वो एक वो लगी होती पुली उससे बकेट अंदर डालते हैं और पानी निकालते हैं वेल well था जो हाउसेस थे उनके अंदर प्रॉपर ड्रेन बने हुए थे दैट कैरीज़ वेस्ट टू द मेन अंडरग्राउंड ड्रेन ऑफ द स्ट्रीट जो स्ट्रीट्स होती थी गलियाँ होती हैं उनमें प्रॉपर अंडरग्राउंड ड्रेन था तो हमारे घर का जो वेस्ट वाटर था वो जाके उन मेन स्ट्रीट ड्रेन्स में मिल जाता था पब्लिक बाथ भी हुआ करते थे वेल्स भी हुआ करते थे पब्लिक वेल्स मतलब एक ऐसा कुआ जिससे सब लोग पानी भर पाएँ पब्लिक बाथ एक ऐसा एरिया जहाँ पर सारे लोग आकर नहा पाएँ वोकेशन पे हो सकता है या कोई और पर्पज़ से बनाएंगे चलो तो बहुत सारे घरों में कुआं देखने को मिला घरों में ड्रेन प्रॉपर होते थे जो जो ड्रेन होते थे वो वेस्ट वाटर को किससे मिला देते थे ले जाते थे वो जो ड्रेन किससे मिले हुए होते थे अंडरग्राउंड ड्रेन स्ट्रीट में जो मेन ड्रेन होते थे वहाँ पर जाके मिल जाते थे फिर हमने यहाँ पर पब्लिक बाथ और वेल्स भी देखे देर वल् एन अरेंजमेंट ऑफ स्ट्रीट लाइटिंग स्ट्रीट लाइटिंग भी वहाँ पर प्रॉपर हुआ करती थी अब ये लाइट जो होती थी वो मशाले जलाते थे या कोई और सिस्टम था इसको भी बता पाना थोड़ा सा मुश्किल है ठीक है पर स्ट्रीट लाइटिंग तो होती थी अब हम ड्रेनेज सिस्टम को पढ़ेंगे बेटा हरप्पन सिविलाइजेशन का मोस्ट स्ट्राइकिंग मोस्ट यूनिक फीचर था उनका ड्रेनेज सिस्टम इतना एफिशिएंट और इतना वेल well प्लान था कि आज हमारा इंडिया आज़ादी के इतने सालों बाद भी नहीं बना पाया अंग्रेज़ थे तो अंग्रेज़ तो बना ही नहीं पाए क्योंकि उन्हें तो हमारे इंडिया को सिर्फ क्या एक्सप्लॉयट करना था फिर जब हमें आज़ादी मिल गई तब भी हम इतना प्रॉपर ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए इतना एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम नहीं बना पाए जितना हमारे हरपन सिविलाइजेशन में बना हुआ था आज से चार हज़ार पाँच हज़ार साल पहले ठीक हुई बात तो ये बहुत यूनिक फीचर है जो किचन और जो बाथरूम थे उनका स्लोपिंग फ्लोर हुआ करता था स्लोपिंग फ्लोर मतलब पानी नीचे की तरफ आता आपको पता है ना ऊपर से नीचे की तरफ तो इस तरीके से किचन और बाथरूम को बनाया जाता था कि पानी एक साइड इकट्ठा हो और फिर एक पाइप के थ्रू हम उसको एक नाली के थ्रू हम उसको निकाल दें आप लोगों की बुक में देखना ये प्रॉपर पिक्चर देखिएगा यहाँ शायद आपको इतना क्लियर नहीं दिख रहा हो कि कितना एफिशिएंट ड्रेनेज सिस्टम है इनका और इसको स्लोप में इसलिए बनाया जा सकता है जिससे कि जो वाटर है वो ड्रेन आउट हो जाए इन द नैर लॉन्ग साइड आपके घर के साइड में जो नैरो ड्रेन सिस्टम है उसमें वो पानी चला जाए जो हाउस ड्रेन होता था वो फिर बाद में कनेक्ट हो जाता था किससे मेन अंडरग्राउंड ड्रेन से जो इस वेस्ट वाटर को लार्ज पिट्स में लेके जाता था बड़े बड़े गड्ढों में लेके जाता था जो सिटी के बाहर बने हुए थे जैसे ये घर बना हुआ है तो ये घर का एक ड्रेनेज सिस्टम होगा ये बाद में जाके एक मेन ड्रेनेज से मिल जाएगा और ये जो मेन ड्रेनेज है ये अपने पानी को कहाँ खाली करेगा एक बड़ा सा पिट बना एक गड्ढा बना होता था ये मेन ड्रेनेज उसमें पूरा गंदा पानी यहाँ पर निकाल देता था पहले एक घर का ड्रेन होगा उसमें से पानी किसको मिलेगा मेन ड्रेन को फिर मेन ड्रेन किस में खाली हो जाएगा एक बड़े से गड्ढे में जो स्ट्रीट ड्रेन होते थे वो स्ट्रीट के साइड साइड में चलते थे रोड के साइड साइड में चलते थे और इन्हें ब्रिक से कवर कर दिया जाता था ठीक है दे हैड सोक पिथ्स द मेन होल फॉर क्लीनिंग जैसे ये मेन मेन ड्रेन ड्रेनेज सिस्टम है जो मतलब इसके ऊपर ईंट बिछाई हुई है उन्होंने जिससे ये ड्रेनेज कवर्ड हो पर अब ये ईंट इसके ऊपर है तो अगर कोई चोकिंग हो गई तो कैसे पता चलेगा तो भैया इंस्पेक्शन होल बना दिए मेन होल बना दिए फिर ईंट से इसको कवर कर दिया और ये मेन होल भी कैसा होता था बेटा कवर्ड होता था पर जब हमें पता लगने लगे कि भैया यहाँ से जो पानी आ रहा है ये यहाँ से प्रॉपरली निकल नहीं पा रहा है मतलब प्रॉपर फ्लो नहीं है अंदर तो मतलब कुछ ना कुछ चोकिंग हुई होगी तो आप इस होल के अंदर इस ये होल की हेल्प से आप अंदर जा सकते थे जो भी चोकिंग होती थी उसको क्लीन कर सकते थे और वापस ऊपर आ सकते थे सोचो कितना एडवांस प्लान किया था जो एक्सट्रीम इम्पॉर्टेंस है क्यों हम इनके ड्रेनेज सिस्टम को इतना इम्पोर्टेंस दे रहे हैं वो इसलिए दे रहे हैं बेटा कि सोचो ये सैनिटेशन और हाइजीन के बारे में कितना सोचते थे समझ में आ रही है बात तो जो एक्सट्रीम इंपॉर्टेंस गिवन टू ड्रेनेज सिस्टम शोज दैट इतना इंपॉर्टेंस अगर इन्होंने ड्रेनेज सिस्टम को दिया है इसका मतलब ये लोग ज़्यादा ध्यान देते होंगे किस बात के ऊपर सैनिटेशन के ऊपर और हाइजीन के ऊपर अब बेटा इस बीस मिनट के वीडियो को आपने ध्यान से सुना होगा तो आपको सेक्शन रिव्यू में कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी अब हम आर्किटेक्चर को डिस्कस करेंगे ठीक ठीक है बात। तो जो सिटीज होती थी उनमें बहुत सारे हाउसेस तो होते ही थे बेटे पर बहुत सारे स्पेशियस बिल्डिंग भी होती थी जिनका डिज़ाइन बहुत ज़्यादा एलाबरेट था बहुत ही प्रॉपर वे में बने हुए थे स्ट्रक्चर बहुत ज़्यादा एलोबरेट था कुछ इंपॉर्टेंट बिल्डिंग्स को हम डिस्कस करेंगे पहले हम लोग ग्रेट बाथ को डिस्कस करेंगे तो जो ग्रेट बाथ था वो कहाँ मिला हमें मोहन जोदड़ो में मिला ये एक रेक्टेंगुलर टैंक है थर्टी नाइन बाय ट्वेंटी थ्री फीट का एट फीट से भी ज्यादा ये डीप था इसके आसपास गैलरीज हैं रूम्स बने हुए चारों साइड में अब वेल बिल्ट एलोंग साइड एक कुआ भी बना हुआ है साइड में और उस कुए को जब हम देखते हैं तो हमें पता चलता है भैया कि टैंक में पानी इसी कुएँ से आता होगा इसी वेल से आता होगा जो टैंक है उसको पेरे क्लीन किया जाता था उसके पानी को द वाटर वॉज डिस्चार्ज इन टू ड्रेन कनेक्टेड टू द मेन ड्रेन ऑफ द स्ट्रीट अब आप देखो स्विमिंग पूल की तरह था तो हम जानते हैं कि स्विमिंग पूल के पानी को हम वीकली फोर्थ नाइथली क्या करते हैं पूरी तरह तीन दिन में पाँच दिन में कई बार पंद्रह दिन में चेंज करते हैं डिपेंड करता है कि वो स्विमिंग पूल कितना ज़्यादा यूज हो रहा है तो इसी तरीके से इनका भी जो वाटर था उसको एक ट्रेन एक बड़े ड्रेन के थ्रू स्ट्रीट ट्रेन में मिला दिया जाता था जो फाइनली खाली कहाँ होता था एक बड़े से गड्ढे में अभी हमने पड़ा था ना वैसे ही लीकेज का कोई डर ही नहीं था टैंक को वाटर टाइट बनाया गया था स्पेशल ब्रेक चिप्सम मोटर का यूज़ करके स्कॉलर मानते हैं कि जो ये ग्रेट बात था इसका यूज़ रिचुअल बात के लिए होता होगा मतलब कोई अमावस्या कोई पूर्णिमा या कोई और दिन जिसको ये इम्पोर्टेंट मानते होंगे उस दिन आके सारे लोग यहाँ पर बात लेते होंगे अब हम पढ़ेंगे द ग्रेट ग्रेनरी को हरप्पा में ग्रेट ग्रेनरी मिली है ठीक है बस क्या डिस्कवर हुई है ग्रेनरी दो रो है और हर रो में सिक्स ग्रेनरी है जैसे एक रो हो गई इसमें छः ग्रेनरी है फिर दूसरी रो में छः ग्रेनरी है इनके बीच में आयल भी है है ना रास्ता है दोनों के बीच में अब मतलब ऐसा नहीं कि चिपका के दोनों बना दी हुई हैं दोनों के बीच में प्रॉपर आयल है आयल मतलब एक रास्ता जैसे हम लोग थिएटर में जाते हैं सीट्स के बीच में हमें रास्ता मिलता है ना कि प्रॉपरली हम अंदर जा सकें बाहर आ सकें वैसे आ, अब ये जो ग्रेनरीज है क्यों बनाते थे बेटा हम लोग जिससे कि हम स्टोर कर सके कि इसको सरप्लस फूड ग्रेन को मतलब प्रोडक्शन जो होता था फूड ग्रेन का वो इतना ज़्यादा होता था कि कहीं ना कहीं हमें संभाल कर हमारी ग्रेनरीज को रखना पड़ता था जो ग्रेनरीज होती थी वो रिवर के पास बनाई गई हैं और इससे हम ये अंदाज़ा लगा सकते हैं कि भाई इसीलिए बनाई होगी कि हम ग्रेनरी का ट्रांसपोर्ट ईजीली कर दें ठीक है बात द ग्रेनरीज वर बिल्ड क्लोज टू द रिवर सो दैट ग्रेन्स कुड बी ट्रांसपोर्टेड ईजिली ग्रेन्स को इजीली ट्रांसपोर्ट किया जा सके ग्रेनरी के, के पास सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म होता है ग्रेनरीज के पास सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म था तो हम मान सकते कि भैया ये जो प्लेटफॉर्म था ये ग्रेन को थ्रेश करने के लिए बनाया होगा जैसे आप लोगों ने देखा होगा बेटा जब एक पेड़ में वीट लगता है गेहूँ लगता है तो गेहूँ के ऊपर एक कवर होता है ठीक है और उस कवर को निकालने के लिए जब हम गेहूं को पीटेंगे ना मतलब किसी चीज़ से स्ट्राइक करेंगे तो वो कवर निकल जाएगा और वीट आपके हाथों में आ जाएगा गेहूं आपके पास आ जाएगा तो ग्रेन की थ्रेसिंग के लिए हो सकता है वो सर्कुलर ब्रिक प्लेटफॉर्म बनाए गए हों किसके लिए ग्रेन को थ्रेश करने के लिए न्यूमरस टू रूम्स क्वार्टर्स फाउंड नियर बाय और बेटा जो ग्रेनरीज थी उनके पास टू रूम के क्वार्टर मिले हैं तो ऐसा माना जा सकता है कि जिस लेबर को हम लाते होंगे थ्रेसिंग के काम के लिए लोडिंग के लिए अनलोडिंग के, के लिए वो लेबर वहाँ पर रहते होंगे एक बहुत बड़ी ग्रेनरी हमें मोहन मोहनजोधड़ो में भी मिली है अब हम असेंबली हॉल की बात करेंगे एक और इम्प्रेसिव बिल्डिंग मिली है जिसे हम असेंबली हॉल कह रहे हैं इसकी दीवारें बहुत ज़्यादा थिक थी इसको सपोर्ट करने के लिए बीच में पिलर्स लगाए गए थे हो सकता है इसका यूज़ प्रेयर हॉल या असेंबली हॉल के लिए किया जाता हो यहाँ पर लोग आते थे और हो सकता है कि प्रेयर और असेंबली के अलावा ये लोग यहाँ पर आके पार्लियामेंट की तरह इसको यूज़ करते हों अपनी इंपॉर्टेंट मैटर्स को डिस्कस करते होंपॉर्टेंट इशूज़ पर बात करते हों ठीक है अब हम बात करेंगे डॉक की एक ब्रिक डॉक्यार्ड भी हमें मिला है किसके पास गल्फ ऑफ कॉम्बे के पास ठीक हुई बात बाय चैनल हैज़ बिन डिस्कवर्डेड लोथल और इस डॉकयार्ड को देखकर हमें ये बात समझ में आता है डॉकयार्ड मतलब एक वो प्लेस जहाँ पे शिप्स को रिपेयर किया जाता होगा ठीक कोई बात शिप्स की मेंटेनेंस पे ध्यान दिया जाता होगा ये हमें ये बताता है कि जो हरप्पन्स थे वो मेरी टाइम ट्रेड भी करते होंगे मतलब सी रूट के थ्रू ट्रेड करते होंगे हंड्रेड सील मिली है हमें जो पर्शियन गल्फ़ रीजन से बिलोंग करती हैं तो इसे पता चलता है कि जो लोथल था वो मेजर पोर्ट था जिससे एंट्री और एग्ज़िट हुआ करती होगी फिर से ध्यान से सुनो एक ब्रिक डॉकयार्ड मिला है कनेक्टेड टू द गल्फ ऑफ कॉम्बे अ चैनल एक चैनल के थ्रू ये जो डॉकयार्ड है ये किससे कनेक्टेड है गल्फ ऑफ कॉम्बे से कनेक्टेड है ये कहाँ मिला हमें लोथल में मिला है ये ये दिखाता है कि जो हरप्पन्स थे वो मेरी टाइम ट्रेड करते थे सी रूट के थ्रू ट्रेड करते थे किससे वेस्ट एशिया से हमें बहुत सारी सील्स मिली हैं जो कहाँ से बिलोंग करती हैं पर्शियन गल्फ़ रीजन से बिलोंग करती हैं इसका मतलब ये जो लोथल था एक इम्पॉर्टेंट पोर्ट था एंट्री और एग्जिट के लिए हमें जो रियून्स मिले हैं मोहन जोदड़ो के हरप्पा के और दूसरे टाउन्स के ठीक है वो ये बताते हैं कि जो सिटीज़ थी वहाँ पर पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा थी ठीक है अन इनहैबिटेंट्स इंजॉय मुंसिपल एडवांटेजेस ऑफ हाई ऑर्डर ठीक है मतलब प्रॉपर ड्रेनेज प्रॉपर स्ट्रीट लाइटिंग सब कुछ वहाँ पर था मतलब एक प्रॉपर ओपन एरिया जैसा होना चाहिए वो था ठीक है और टिल डेट आज हमारा कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड इन सब चीजों के बारे में अननोन है या ऐसा भी कह सकते कि वो सुविधाएं जो इनके पास थी वो आज तक हमारे पास नहीं है स्टूडेंट आई एंडिंग दिस वीडियो हेयर ओनली यू हैव एनी डाउट एनी प्रॉब्लम टू राइट इन कमेंट सेक्शन हम लोग इकोनॉमिक लाइफ से पार्ट टू स्टार्ट करेंगे